बापू। अरे धीरे धीरे, तेरी गाड़ी छूट रही है क्या? आपके पेट में चोकी। हाँ चोकी, चल इधर जा फिर खाते हैं। तूने खाना खाया क्या? हाँ बापू, खाना खा लिया। बापू ये हल से क्या होता है? हल से? अरे उसे जुताई करते हैं, बाद में अनाज बोया करते हैं, फिर फसल आते हैं। मतलब ये खेत में कुछ भी उग सकता है? हमने थोड़ा सा अनाज डाला तो इतनी सारी फसल आ जाती है। थोड़ा सा भी धान डाला ना तो पूरी की पूरी फसल। ये धरती बड़ी दयालु है, हम उसको एक देना तो हमें चार चार देती है। बस इस बार बारिश की कृपा हो जाए। और इस साल खाएंगे क्या? मुन्ने की फीस, माँ बापों की दवाई, घर का खर्चा कहाँ से आएगा? अगर फसल ही नहीं आई तो पैसा कहाँ से आएगा? बापू आपने कहा था धरती में सब कुछ उग जाता है। हाँ उग जाता है, सिर्फ इस बार इस मेघराज की कृपा हो जाए। क्या बेटा? बापू फसल आने में कितने दिन लगते हैं? हाँ फसल, अरे पूरी फसल आने के लिए 3-4 महीने लगते हैं। बड़ी मेहनत का काम है बेटा, खून पसीना ये करना पड़ता है तब कहा फसल आती है। बापू हम इतनी मेहनत से हम दूसरा भी काम कर सकते, फिक्र की बात ही नहीं। बेटा एक काम नहीं है, हमारा फर्ज है, फर्ज हमारी पुरखों ने ये फर्ज हमें दिया है, धरती माँ की सेवा करना।
अरे क्या हुआ मुन्ना, ऐसी रोनी सूरत बनाकर क्यों बैठा है? बापू आप झूठ बोलते हो, ये धरती एक का चार नहीं करती, क्या हुआ ही खा जाती है। मेरे पैसे भी खा गई। पैसे? कैसे पैसे? मेरे पैसे, मेरे मेरे गुल्लक से निकाले थे, सोचा था मैंने यहाँ पे बो दूंगा, उसका धान बन जाएगा, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। रोज पानी देता था, खाद डाली, पर पैसे हो गए नहीं। अरे बेटा, खेत में फसल आती है, अनाज आता है, पैसा नहीं आता, और पैसा उग भी जाता तो हम खा नहीं सकते। तो किसान के औलादे, अनाज पिकाओ, अनाज उगाओ, पैसा नहीं।